पूरी शक्ति लगाइए, पीछे कीजिए। माता, मैंने वचन दिया था ना आप सबको कि मैं यहाँ से सुरक्षित निकाल लूंगा। अब मैं आपको कैलाश ले चलता हूँ। चलिए माता। आज आपके पुत्र प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश ने हमारे जीवन की और हमारे मान मर्यादा की रक्षा कर हमें कृतार्थ किया। धन्यवाद गणेश जी। धन्यवाद नहीं माता, बस अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। अवश्य पुत्र। पुत्र, तुमने देवियों को यहाँ पर लाकर उचित किया। वो कैलाश में सभी संकटों से सुरक्षित हैं। और रहा महिषासुर, उसका उपाय तो देवता कर देंगे। पिताश्री, आपको भी ज्ञात है कितना शक्तिशाली है महिषासुर। देवता उसे परास्त कर सकेंगे, इसमें संदेह है मुझे। इस असुर की शक्ति को इस प्रकार कब तक बांध कर रख सकेंगे हम? इसकी शक्ति शिथिल भी अवश्य पड़ेगी, शीघ्र थकेगा ये। ये युक्ति कार्य कर रही है, महिषासुर निर्बल पड़ रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारे स्वामी महिषासुर देवताओं से कैसे पराजित हो सकते हैं? लगाकर पकड़े रखो इसे, किसी भी प्रकार से ये मुक्त ना होने पाए। अरे अरे, पुनः उठाओ, पकड़ो पकड़ो, खींचो खींचो खींचो। सफल हुआ किंतु अब होगा हमारा महायुद्ध जिसमें मैं सफल हूं।
पिताश्री, महिषासुर के बल के समक्ष तो देवगढ़ कदापि नहीं टिक सकेंगे, क्योंकि भूपा जी ब्रह्मदेव द्वारा उसने किसी से भी पराजित ना होने का वरदान प्राप्त कर रखा है। इसका कोई तो उपाय करना होगा। क्या आप अपने इस रूप को त्याग कर पुनः नहीं लौट सकती माँ? नहीं पुत्र, क्योंकि मेरे इस रूप के पीछे बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। मुझे पिताश्री को बताना चाहिए कि माँ ही महिषासुर का अंत कर सकती है। पिताश्री, जो शक्ति महिषासुर को पराजित कर सकती है वो है? मैं समझ गया पुत्र, महिषासुर पशुवत युद्ध कर रहा है, इसलिए देवताओं को भी उससे युद्ध करने के लिए अपने पशु भेजने चाहिए। इस बार उन्हें देवताओं के वाहन बनकर नहीं, वरन उनके सैनिक बनकर युद्ध करना होगा। मुझे संदेह है कि देवताओं के समस्त पशु योद्धा मिलकर भी महिषासुर को परास्त कर सके। देवगण, पशु महिषासुर से युद्ध करने के लिए हमें अपने पशु भेजने होंगे। होगा इस युद्ध का परिणाम? कोई पशु मेरा अंत नहीं कर सकता, ये वरदान प्राप्त है मुझे। महिषासुर को चुप करके रख देगा। पराजित देवताओं, अब अपने अपने पशु भी मुझसे युद्ध करने के लिए भेज दिए, तो लो फिर करो मेरा सामना। हम तुम्हारी कोई युक्ति कार्य नहीं करेगी देवताओं। बल और छल दोनों से तुमसे बढ़कर हूं। Jump!
अब महिषासुर को चित होना ही पड़ेगा। पिताश्री, एक एक कर सभी देव पशुओं को पराजित कर रहा है महिषासुर। प्रणाम मामा जी। कल्याण हो पुत्र। प्रणाम महादेव। महादेव, सभी देवता अपने अपने वाहन महिषासुर से युद्ध के लिए भेज चुके हैं, किंतु कोई भी उसके समक्ष टिक नहीं सका। मामा जी को ज्ञात है महिषासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, वो अवश्य माँ का नाम सुझाएंगे। महिषासुर देवताओं उनके पशुओं से पराजित नहीं हो सकता। हाँ पिताश्री, उचित है। एकमात्र शक्ति जो महिषासुर को पराजित कर सकती है और वो है गरुड़। गरुड़ जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम महादेव। प्रणाम गणेश जी। आदेश प्रभु। गरुण, जिस प्रकार आपने एक बार कंज ग्रह को उठाकर अपना ग्रास बनाया था, आज महिषासुर को अपना भोजन बनाकर अपनी भूख शांत कीजिए। गरुड़ जी भी उसका सामना करने में समर्थ नहीं होंगे। मैं जो कह रहा हूँ उस पे कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? इस प्रकार तो ये महिषासुर हमारे वाहनों का अंत कर देगा। मत कीजिए सूर्यदेव, प्रभु श्री हरि ने अपने वाहन गरुड़ को भेजकर हमारी समस्या का समाधान निकाल दिया है। अब ये कौन आया है मेरी शक्ति से टकराने? मुझे विवश कर दिया, मैं उड़ान कैसे भरूं? कैसा अनर्थ है, महिषासुर तो गरुड़ जी को पर्वत की ओर खींचे लिए जा रहा है।
अति शक्तिशाली गरुड़ देव जी भी महिषासुर का सामना नहीं कर सके। पिताश्री और मामा जी दोनों को ज्ञात है कि कोई देव मनुष्य पशु महिषासुर का वध नहीं कर सकता, तो अब एक ही समाधान है, स्त्री की शक्ति अर्थात माँ। किंतु ये कैसे कहूँ, कैसे समझाऊँ इन्हें? और कोई उपाय शेष नहीं, मुझे पिताश्री और मामा जी को माँ का स्मरण कराना ही होगा। पिताश्री, मामा जी, अब तो एक ही समाधान है, एक ही ऐसी शक्ति है जो महिषासुर का अंत कर सकती है, और वो है मैं। प्रभु, मैं युद्ध करूंगा महिषासुर से। प्रभु आज्ञा दीजिए मुझे, मैं उसका वध करूंगा। जाओ नंदी। नंदी और महिष के मध्य द्वंद, ये द्वंद अब समान है महिषासुर, और अब तुम स्वयं को रक्षित नहीं कर पाओगे। यदि इसी प्रकार रहा तो इस युद्ध का परिणाम केवल महिषासुर के पक्ष में ही होगा, इसलिए अब माँ का आना अनिवार्य है। माँ, अब आपको आना ही पड़ेगा। माँ, अधर्मी कितना भी बलवान क्यों ना हो, किंतु धर्म को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।